कहते हैं जिस प्रकार से हम लोग इस वक्त जी रहे हैं इस धरती पर, अगर इसी प्रकार से जीते रहे तो 78 साल के बाद रेन वाटर नहीं रहेगा और 26 साल के बाद समंदर में मछलियां नहीं रहेंगी। पोल्यूशन जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से हर साल दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है। ये सब आंकड़ों ने दुनिया के सभी देशों को चिंता में रख दिया है और सब एनवायरनमेंट को बचाने अपनी अपनी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं। भारत में किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और कौन कर रहा है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखिए। और इस बार फनतंत्र में हम भारत इज बेस्ट के रियल हीरोज की बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। श्रीमद भगवद गीता के विभूति योग में श्री कृष्ण कहते हैं, यद विभूति मत्स्यत्वम श्रीमदूर्जित मे बबा तद्देवाव गच्छत्वम मम तेजोश संभवम। मतलब सृष्टि में जो जो ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं वो मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुए। इस दृष्टि से हम भारतीय सदियों से रेवरेंस फॉर मैन, रेवरेंस फॉर नेचर एंड रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएशन ये करते ही आए हैं। इसलिए जब तक एक तरफ बाकी देश एनवायरनमेंट बिगड़ने के बाद विचार करते हैं, तब भारत में एनवायरनमेंट को पूज्य भाव, दिव्य भाव से देखने की प्रथा चलती आई है, जिससे वो बिगड़े ही नहीं। भारत एक ऐसा देश जहां गंगा नदी नहीं गंगा माँ कहा जाता है, यमुना नदी नहीं यमुना जी कही जाती है, पीपल एक पेड़ नहीं एक देवता है, जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि देव भूमि बन जाते हैं। यानी एक ऐसा देश जहां पर कल के पैदा हुए लोगों को एनवायरनमेंट एक्सपर्ट बना के पूरे देश पर थोपा जा रहा है। और सिर्फ थोपा नहीं जा रहा है बल्कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को लेक्चर देने की अथॉरिटी भी ऐसे लोगों को गिफ्ट की जा रही है। मतलब जितनी इन एक्टिविस्ट की पूरी उम्र है उतना तो एनवायरनमेंट के लिए काम करने का तजुर्बा लिए हमारे गांव-गांव में करोड़ों बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ग्रेटा का नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या हमें याद है केरल की दादी लक्ष्मी कुट्टी का नाम, जो कल्लार में शिक्षिका हैं और अब भी घने जंगलों के बीच आदिवासी इलाके में ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहती हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही 500 से ज़्यादा हर्बल मेडिसिन उगाई और अब तक आदिवासी इलाकों में हज़ारों लोगों की जान बचाने का पुण्य काम किया है। लोगों को रिहाना तो याद है, लेकिन 3 साल पहले ही पद्मश्री पाने वाली जंगल की दादी लक्ष्मी कुट्टी को हम भूल जाते हैं। लोगों को ग्रेटा याद है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उत्तराखंड के कल्याण सिंह रावत जी भी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1995 में चमोली के ग्वालदम क्षेत्र से मैथी आंदोलन की शुरुआत करी। मैथ का मतलब होता है लड़की का मायका। बाहरी लोगों को देखकर बिच जाने वाले लोग शायद समझ ही नहीं सकते कि ऐसा आंदोलन जिसमें शादी के बाद विदा होने से पहले बेटी मायके में एक पौधा लगाएगी जो परिवार में बेटी के जाने से जो जगह खाली हुई है उसको भरेगा। ऐसा आंदोलन जिसमें माँ उस पेड़ को जरूर सींचेगी जो उसकी बेटी की यादों से जुड़ा है। वो मैथी आंदोलन जो पेड़ को बेटी से जोड़कर उसकी रक्षा का वचन दिलाता है। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये आंदोलन अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे महान आंदोलन को शुरू करके देश विदेश तक पहुंचाने वाले कल्याण सिंह रावत को सरकार ने 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। लेकिन ये हमारी वोक जनता के आइकन नहीं बनते, क्यों आप ही बताइए। और ग्रेटा को एनवायरमेंटलिस्ट बताए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ग्रेटा का नाम जाने और मध्य प्रदेश के किसान साहित्यकार बाबूलाल दहिया का नाम भूल जाएं तो बाबूलाल दहिया जी की कहानी आप तक पहुंचानी जरूरी हो जाती है। 60 के दशक में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब विदेशी बीजों से भारत का बाजार पटने लगा और हजारों सालों से हमारी खेती की बैकबोन रहे हमारे देसी बीज, देसी ब्रीड खत्म होने लगे थे। देसी बीज हमारे एग्रीकल्चर की बैकबोन इसलिए भी थे क्योंकि हजारों साल से हमारे क्लाइमेट के साथ, हमारी मिट्टी के साथ अडैप्ट कर चुके थे। ज्यादा पानी नहीं खाते थे, ज्यादा रखरखाव नहीं करना पड़ता था। ऐसे बीज जब गायब होने लगे थे तब उन्हें सहेजने का भागीरथी प्रयास करने वाले शख्स हैं बाबूलाल दहिया जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के 40 जिलों में घूम घूम कर धान, कोदो, कुटकी, मक्का समेत अन्य फसलों की 200 से ज्यादा देसी वैरायटी के बीजों को प्रिजर्व करने का काम किया। बाबूलाल दहिया जी को भी सन 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर हमारे देश के ही नागरिकों ने सिर्फ इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए अपना जीवन खपा दिया, जिन्हें शायद आज से 6 साल पहले तक हम में से कोई नहीं जानता था, जो बिना किसी इच्छा के और बिना किसी पीआर के अपना जीवन खपा चुके थे। और अगर पद्मश्री नहीं मिलता तो शायद ऐसे ही गुमनामी में इस दुनिया से चले भी जाते। ऐसे में जिम्मेदारी हमारी है कि पीआर और असली काम में फर्क जानना सीखें। जिम्मेदारी हमारी भी है कि समाज सेवा करने वालों और समाज सेवा का दिखावा करने वालों में फर्क करना सीखें। हमारा बस इतना पॉइंट है कि ग्रेटा हो सकता है बहुत अच्छा काम करती हूँ या जीवन में करें, पर इससे उन्हें दादी लक्ष्मी कुट्टी के देश को, कल्याण सिंह रावत जी के देश को, बाबूलाल दहिया जी के देश को, यानी भारत देश को लेक्चर देने का अधिकार तो नहीं ना मिल जाता। और हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझाएंगे, हो सकता है आपस में लड़ें भी, बहस भी हो, शायद गाली गलौज भी हो, लेकिन 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 ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसी का नाम
लोकतंत्र है। और दोस्तों इन्हीं रियल हीरोज की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत इज बेस्ट। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको ये वीडियो सही लगे, शेयर करने लायक लगे तो दबा के शेयर करिएगा। फेसबुक पर हर संडे सुबह 10 बजे BIB यानी भारत इज बेस्ट के एक एपिसोड को लेकर हम जरूर आते हैं। फिलहाल अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।